हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हो और हम पकोड़े ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के साथ गुजराती स्टाइल में कॉर्न पकोड़ा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं उसे कैसे बनाना है। इंग्रीडियंट्स की डिटेल्स यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए है। ये रेड बटन को क्लिक कीजिए एंड मेरी चैनल हेतल्स किचन एंड लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और इसके बाजू में रहे ये बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी चैनल पे अपलोड होने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कॉर्न पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस साइज़ के 6 स्वीट कॉर्न लिए हैं। इसे मैंने पहले पील कर लिया था, फिर पानी से अच्छे से 2-3 बार वॉश करके उसे मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। फिर अब उसका यूज़ करेंगे। उसे हमें यहाँ पे अच्छे से ग्रेट करना है, तो इस तरह से हम उसे ग्रेट कर लेंगे। ये पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमें कॉर्न को बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सीधे ही इस तरह से उसे ग्रेट करके उसका जो मिक्सर तैयार होगा उसी से हम पकोड़े बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे स्वीट कॉर्न को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और उसका इस तरह से मिक्सर तैयार हुआ है। कप में उसका मेज़रमेंट 1 कप है। अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले उसमें हम 10 टेबलस्पून बेसन को ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून हम राइस फ्लावर ऐड कर देंगे, नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसे प्लस माइनस कर सकते हो। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे क्रश किया हुआ हम जिंजर ऐड कर देंगे एंड 1 कट किया हुआ ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, शुगर यहाँ पे ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते समय उसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा पकोड़े का बैटर बनके रेडी है। आप देख सकते हैं उसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी बनके तैयार हुई है। अगर आपको बैटर थोड़ा पतला लग रहा है तो आप उसमें 2 से 3 स्पून जितना बेसन ऐड कर सकते हो। अब हम उसमें से पकोड़े बनाएंगे। गैस पे मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे पहले से ही मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है और पकोड़े भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाने हैं, तो अब हम उसे बनाना शुरू करते हैं। तो बैटर को इस तरह से हम स्पून की मदद से ऑयल में ऐड करते जाएंगे। रेगुलर पकोड़े का बैटर की कंपैरिजन में ये बैटर जो रहता है थोड़ा सा पतला होता है, तो हमें उसे स्पून से ऐड करना होता है। अगर आप हाथों से कंफर्टेबल है तो आप हाथ से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बैटर में मैंने सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, पर अगर आपको ऐड करना है तो आप 1/4 टीस्पून खाने का जो सोडा होता है वो बैटर में ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से पकोड़े को हम बीच बीच में फ्लिप करते जाएंगे और दोनों तरफ से ये जब तक लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक उसे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूस हमें मीडियम फ्लेम पर उसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। उसका कलर भी बहुत अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। इस स्टेज पे हम उसे बाहर निकाल लेंगे ऑयल में से। सेम इस तरह से हम बाकी के पकोड़े भी तैयार कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारे सारे पकोड़े बनके रेडी है। उसे यहाँ पे मैंने सर्विंग प्लेट में ले लिया है। सर्व करते समय हम उस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। चाट मसाला स्प्रिंकल करना ऑप्शनल है, पर इससे टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके साथ हम फ्राई की हुई ग्रीन चिली एंड टोमेटो केचप के साथ उसे सर्व करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसके नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।